उत्तराखंड में सरकारी स्कूल ने रचा इतिहास। आदर्श प्राथमिक विद्यालय के 22 बच्चों ने की ऑल इंडिया सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा पास। आइए आपको बताते हैं कैसे हुआ उत्तराखंड में चमत्कार। अब ये किसी चमत्कार से कम नहीं, क्योंकि उत्तराखंड में जहां एक ओर सरकारी स्कूलों की हालत बिगड़ती जा रही है, सैकड़ों स्कूल बंद होने के कगार पर हैं, और ऐसे में बागेश्वर जिले के कपकोट मॉडर्न स्कूल ने जो कर दिखाया है वो उत्तराखंड की विद्यालय शिक्षा के लिए एक इतिहास है। इस स्कूल के मैनेजमेंट और यहां के शिक्षकों की मेहनत के चलते स्कूल के 22 बच्चों ने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा पास की है, और इन बच्चों को सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में अब एडमिशन मिलेगा। आपको बता दें कि 1 अप्रैल 2016 को राजकीय प्राथमिक विद्यालय कपकोट को आदर्श प्राथमिक विद्यालय बनाया गया था, और प्रधानाचार्य के तौर पर ख्यालीदत्त शर्मा को कार्यभार दिया गया था, और तभी से ये स्कूल नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है। बहुत अच्छा कि पहले तो आप विद्यालय आइए, इसके लिए विद्यालय परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। 22 बच्चों का क्वालिफाई उन्होंने किया है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने एक अच्छी मेरिट के साथ उसको क्वालिफाई किया है। आने वाले दिनों में वो अपने फाइनल सिलेक्शन की ओर होंगे, और ये सभी की एक राजकीय विद्यालयों के प्रति जो विश्वास पेरेंट्स का था, SMC का था, और उन जो जनप्रतिनिधियों का सहयोग विद्यालय को है, आप सबका जो स्नेह प्रेम विद्यालय को मिला है उसका एक परिणाम है। और विगत वर्षों से भी इस प्रकार के परिणाम, चाहे वो हिमज्योति विद्यालय हो या नवोदय विद्यालय हो, बच्चों ने ऐसा करते आए हैं। उनके पास अब एक बना बुना स्टेशन है, और उस स्टेशन पर वह इजीली काम कर रहे होते हैं। इसमें पेरेंट्स का बहुत सहयोग है, और मेरी सहयोगी जो गुरुजन साथी हैं, चाहे वो आदरणीय मंजू गढ़िया मैम हों, चाहे हरीश अठानी सर हों, दीपक अठानी सर हों, उनकी दिन रात की मेहनत, जहाँ वो 9:30-10 बजे तक भी बच्चों के साथ एक्टिविटी बेस्ड जो टीचिंग करते रहते, तो बहुत अनुकरणीय भी है, और बच्चों के लिए जो रिजल्ट के रूप में उन्होंने इसको बदला है, वो सब हम सब के लिए प्रेरणास्पद और अच्छा है। गुरु जी, एक बात और कि यहाँ पे एडमिशन के टाइम पे लाइन लगती है, क्या कुछ कहेंगे? देखो, अब हर व्यक्ति क्वालिटी एजुकेशन को चाहते हैं, तो स्वाभाविक है कि जहाँ 22 बच्चे एक साथ क्वालिफाई कर रहे हैं, तो हर पेरेंट्स चाहता है कि उसके बच्चे को भी ऐसे क्वालिटी एजुकेशन मिले, तो लाइन भी लगती है और सबका साथ भी रहता है, तो इसको मैनेज करते हुए ये कर रहे होते हैं। ये एक समस्या भी रहती है बहुत बार कि कुछ बच्चों को हमें एडमिशन से रखना भी पड़ता है, हालांकि उसके तमाम प्रकार के SMCs के द्वारा नॉर्म बनाए होते हैं कि स्थानीय बच्चे को कुछ अधिकार ज़्यादा रहें और उसको मौका मिले, कोई बच्चा छूटे नहीं, इस सब प्रकार की जो शासन की नीतियाँ हैं उसके अनुसार भी हम कर सकें, लेकिन हमारे जो संसाधन हैं उन संसाधनों के अनुरूप हम उनको व्यवस्थाएँ दे सकें, ये हम सबकी एक सामूहिक जिम्मेदारी है, मिलजुल करके इसको कोशिश करते हैं। आदर्श प्राथमिक विद्यालय कपकोट की सफलता का पूरे उत्तराखंड में जिक्र हो रहा है, लेकिन हम आपको बता दें कि ये सफलता इस स्कूल को एक रात में नहीं मिली है। इस सरकारी स्कूल के आदर्श विद्यालय बनने के बाद से ही यहाँ तैनात शिक्षक 16-16 घंटे काम करते हैं, बच्चों को मुफ्त में ट्यूशन देते हैं, और प्रतियोगी परीक्षाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। 22 बच्चों ने जो ऑल इंडिया लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण करी है, तो काफ़ी खुशी है। इसमें विद्यालय परिवार के जो स्तंभ हैं, आदरणीय KD शर्मा सर, हमारे जो सहयोगी यानी हरीश ऐठानी सर, दीपक ऐठानी सर, मैम लोग हैं, तो मतलब हम सबकी जो मेहनत है वो रंग लाई है, तो इस तरह से मतलब हम अपने कार्य को लगन से मेहनत से करते रहेंगे तो निश्चित ही सफलता मिलेगी, और भविष्य में भी मतलब ये प्रयास जारी रहेंगे। बच्चे जो भी हमारे पास आएंगे उनको अच्छा वातावरण देने का हम प्रयत्न करेंगे। लेकिन ये पहली बार नहीं है कि स्कूल के बच्चों का चयन सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के लिए हुआ हो, इससे पहले भी हर साल यहाँ के बच्चों का चयन सैनिक स्कूल के लिए होता रहा है, और इसके पीछे स्कूल के प्रधानाचार्य KD शर्मा और उनके सहयोगी मंजू गढ़िया, हरीश ऐठानी और अजय तिवारी समेत अन्य शिक्षकों का योगदान बताया जा रहा है। बागेश्वर से जगदीश पांडे की रिपोर्ट।